नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पहिया वाले स्कूटर के बारे में बताऊंगा। इसे हम मोनो व्हील या मोनोसाइकिल के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास जो मोनो व्हील है यह इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसमें बैटरी लगती है और यह स्वचालित है। आज मैं इसे पहली बार अपने नन्हे रूसी दोस्त की मदद से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पहिया पर अपने पैरों को दोनों तरफ रखते हुए शरीर का संतुलन बनाना वाकई में मुश्किल काम है। जैसे ही मेरा दबाव आगे की तरफ पड़ता है, यह आगे की तरफ चलने लगता है। पीछे की ओर दबाव पड़ते ही यह पीछे की तरफ चलने लगता है। दरअसल इसमें कई तरह के सेंसर लगे हैं जो शरीर के दबाव के हिसाब से इसे आगे पीछे या दाएं बाएं बढ़ाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझसे तो यह चलने वाली नहीं है, तो मैं अपने नन्हे रूसी दोस्त को कहता हूँ कि वह आपको इसे चला कर दिखाए। दोस्तों, वीडियो में अब आप देख रहे हैं कि वह इसे बड़ी आसानी से चला पा रहा है। रूसी लोग बताते हैं कि 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद इसे चलाना मैं भी सीख सकता हूँ। आपको याद होगा कि बचपन में जब आप साइकिल नहीं चला पाते थे, तब यह कितना मुश्किल लगता था। सीखने के क्रम में गिरते थे, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद साइकिल चलाना सबसे आसान काम लगता है। ठीक, आप मोनो व्हील को देखिए। इसे आप 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। पर आवर अगर क्वालिटी अच्छी हो तो इससे 80 किलोमीटर तक की यात्रा भी कर सकते हैं। वरना सामान्य मोनो व्हील एक बार चार्ज करने के बाद 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा के लिए मुफीद है। यह काफ़ी हल्की होती है। इसे आप बस, ट्रेन में लेकर चल सकते हैं और अपने स्टेशन पर उतरने के बाद आगे घर या ऑफिस की यात्रा मोनो व्हील से पूरी कर सकते हैं। यह आपके पैसे भी बचाएगा, साथ ही आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। रूसी युवाओं और बच्चों के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय है। बच्चे और युवा बाज़ार और ऑफिस अथवा स्कूल जाने के लिए मोनोसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। रूसी बाज़ार में यह 10,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है। हमारे कुछ रूसी दोस्त जिनकी ऑफिस घर से 15 किलोमीटर के दायरे में है, वे आने जाने के लिए रोज़ाना मोनो व्हील का इस्तेमाल करते हैं। कुछ छात्र या शिक्षक अपने विश्वविद्यालय या स्कूल भी मोनो व्हील से जाना पसंद करते हैं। That's all? मोनो व्हील आसानी से उबर खाबर रास्तों पर चल सकती है। अगर आप अच्छे से चलाना जान गए तो सड़क पर पत्थर, गिट्टी, गड्ढों आदि में भी इसे चला सकते हैं। जैसे कि इस बच्चे को देखिए, इसने कितनी आसानी से इसे सीढ़ी पर चढ़ा ली। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये मोनो व्हील कैसा लगा? क्या आप इसे चलाना पसंद करेंगे? आप देखिए ये कितना मजबूत है। इसके पहिए बिल्कुल स्कूटर की तरह हैं और इसमें टॉर्च भी है ताकि आप रात को अंधेरे में भी चला सकें। हमारे रूसी दोस्त बताते हैं कि जब आप सीख रहे हों तो पहले एक पैर पर चलाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जब बैलेंस बन जाए तब फिर आप दूसरे पैर को भी रखिए और एक साथ दोनों पैर रखकर चलाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक बार मोनो व्हील चलाना सीख जाने के बाद यह कितना आसान लगता है। आप देख सकते हैं इसमें टायर है, साथ ही इसमें हवा भरने के लिए भी स्थान है ताकि टायर का प्रेशर अच्छा रहे, ताकि आपको अच्छी स्पीड मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको मोनो व्हील कैसी लगी? क्या आप इसे चलाना पसंद करेंगे? अपने कमेंट आप मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।
धन्यवाद।